आज तो बहुत मजा आएगा। आज रात तो मजा ही आ जाएगा। साल भर बाद फिर से बसंत मौसम वाली हाथियों की परेड होगी। क्या बात है हाथी? वो मेरी छड़ी नहीं मिल रही। अरे अप्पू, ये छड़ी तो तुम्हारे पापा की छड़ी जैसी है। ये उन्हीं की है मोगली, मैं ले आया। उन्हें तो पता भी नहीं ये मेरे पास है। लाओ, अब मेरी बारी है। हाथियों की रानी को सभी सलामी दो। ईटा, चलो घर आ जाओ। ओहो, इतनी जल्दी क्यों? अब चलो भी हीटा, बाद में मिलते हैं मोगली। ठीक है, मजे करना। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? पापा को ये छड़ी परेड के लिए चाहिए थी। उन्हें एक दूसरी छड़ी दे देना। ये नहीं हो सकता मोगली, ये छड़ी एक पवित्र काले पेड़ की है जो उस पहाड़ी पर है जहाँ चील का घोंसला है, और एक काला खतरनाक कोबरा उस पेड़ की रक्षा करता है। अरे मैं उस पहाड़ी पर जा चुका हूँ, मैं अभी वहाँ जाकर नई छड़ी ला सकता हूँ। दोस्तों नहीं, इसमें बहुत खतरा है। होगा, पर मजा भी तो आएगा ना अप्पू। कैसा मजा? अप्पू, हीटा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो ठीक है, और कोई रास्ता भी नहीं, पर मैं भी साथ चलूंगा। और जब तक तुम दोनों नहीं आते, मैं पापा को संभालती हूँ। और वादा करो हीटा, तुम उन्हें इस टूटी छड़ी के बारे में कुछ नहीं बताओगी। अरे नहीं नहीं। अब चलो भी अप्पू, हमें चलना चाहिए, सूरज ढलने से पहले हमें लौटना भी तो है। इंसानी बच्चे का खाना होगा और मीठे में मोटू हाथी, मैं तो उसे ही चबाऊंगा। आज तो शेर खान खुशी से जादू की झप्पी दे देगा। तुम्हारे पापा कब से तुम्हें बुला रहे हैं हीटा? और अप्पू कहाँ है? वो मोगली के साथ है, बाद में आएगा। हीटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी छड़ी मुझे मिल नहीं रही, तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? हाँ करूँगी ना पापा। अपने आप कहाँ जा सकती है? अब मैं क्या करूँ? मम्मी, आप नाराज मत होना, वो क्या है ना, पापा की छड़ी हम खेलने ले गए थे और क्या कहा, और गलती से अप्पू ने उस पर पैर रख दिया और वो टूट गई। क्या कह रही हो तुम? तुम दोनों कितने शरारती हो गए हो, अब तुम्हारे पापा कौन सी छड़ी लेंगे? अप्पू और मोगली उस पहाड़ी पर गए हैं नई छड़ी लाने। अरे नहीं नहीं, ये क्या किया उन्होंने, वहाँ जाना इतना आसान काम नहीं है, और फिर उस पेड़ पर कोबरा भी तो रहता है। वो ये काम कर लेंगे, और पापा से मत कहना मम्मी, मैंने अप्पू से वादा किया था। ओह हीटा, ठीक है, नहीं कहूंगी। हाँ, खुशबू उधर से आ रही है। ये क्या, तूने तो कहा था वो अकेला है। वही समझिए ना, वो तो छुटकू हाथी का बच्चा है, मैंने सोचा आपके लिए एक सरप्राइज रखूं, उसे तो मैं हजम कर लूंगा। सच में आप तो बस मोगली को निशाना बनाइए। देखो वो रहा चील। वो, हम बस पहुंचने वाले हैं। ये नाजुक पेड़ है, मैं इससे पार नहीं जा सकूंगा। तो तुम यहीं रुकना, मैं जल्दी लौटूंगा, पेड़ ज्यादा दूर नहीं है। कहाँ जा रहे हो हाथी? वो मुझे मेरी छड़ी नहीं मिल रही है, तो सोचा जाकर पहाड़ी से नई लेकर आ जाऊं। अभी जाओगे तो वक्त पर नहीं लौट पाओगे। किसने कह दिया? और तो और, पहले ही अप्पू और मोगली नई छड़ी लेने पहाड़ी पर जा चुके हैं। क्या? पर ये काम मुझे करना चाहिए। वो मदद करना चाहते हैं, पर वहाँ बहुत खतरा है। जानती हूँ हाथी, पर अप्पू अकेला नहीं है, और वो अब बड़ा भी हो रहा है, उसे लीडर बनना है तो ऐसे छोटे मोटे खतरे उठाने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने भी लिए थे।
पवित्र पेड़। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस पवित्र पेड़ पर चढ़ाए? मैं मोगली हूँ, हाथी का दोस्त। उसकी छड़ी टूट गई है तो नई लेने आया हूँ। हाथी? हाथी तो मेरा पुराना दोस्त है, तुम उसके लिए छड़ी ले जा सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया कोबरा बाबा। वो दूसरी तरफ गया है, यहीं उसका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं मालिक, वो जाएगा कहाँ? यहीं से गया है, यहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पवित्र छड़ी खो कैसे गई। कितना गैर जिम्मेदार लीडर हूँ मैं। अब तो लगता है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप बहुत अच्छे लीडर हैं। कोई फायदा नहीं है, वक्त निकलता जा रहा है और मोगली और अप्पू का अब तक कोई पता नहीं है। मुझे आज की बसंत परेड को कैंसिल करना पड़ेगा। ओहो, बहुत गलत हुआ ये। ऐसा मत सोचिए पापा। मुझे मिल गई, छड़ी मिल गई। अप्पू, ये कहाँ चला गया? अरे नहीं। ओह, हाथ से कुछ छूट गया इंसानी बच्चे। जस्ट चिल, अब तेरा भी इस जंगल को छोड़ के मेरे पेट में जाने का वक्त आ गया है। नहीं बच्चा, नीचे हटो मोगली। नहीं। शुक्रिया अप्पू, आज तुमने मुझे बचा लिया। पर अब क्या करें? मैं ये खाई कैसे पार करूं? और वो छड़ी भी नीचे गिर गई। नहीं मोगली, छड़ी ऊपर ही है, देखो वहाँ एक पत्थर पर अटकी हुई है। अरे हाँ, चीन, क्या टाइम पर आए हो, उड़ने में क्या मजा है। अरे वाह, हमने कर दिखाया। शुक्रिया चील, बाय बाय। कब तक खैर मनाएगा इंसानी बच्चे? इस बार तो आकर दिखाओ शेर खान। अब क्या करूं? तबाकी, जल्दी आ, मुझे उस पार ले जाने का जुगाड़ ढूंढ। दोस्तों, मुझे आप सभी से एक जरूरी बात कहनी है। अब मुझसे और एक मिनट जरा रुकना। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता दोस्तों। और एक खास बात यह है कि आज की हमारी परेड का खास मेहमान और कोई नहीं, हमारा अपना मोगली है। पापा, ये सब मेरी गलती है, मैंने आपकी छड़ी खेलने के लिए ली थी। तुमने ली थी? तो फिर वापस क्यों नहीं रखी? क्योंकि वो टूट गई थी। अच्छा, तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई? मैंने अप्पू से वादा किया था। अप्पू, तुमने जो किया वो सही नहीं था, पर इससे तुम्हें एक सबक जरूर मिला होगा। अब जल्दी करो, परेड शुरू होने वाली है।